सिखाने के लिए। और मैं मनोज कह रहा हूं यादव कि नरेंद्र मोदी क्या वाकई एक चुनौती तो आपके लिए खड़ी कर ही दी है ना एनडीए, बेशक अगर आप भी अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं तो कुनबा विस्तार तो आपसे ज्यादा एनडीए ने कर दिया है आपकी पहली बैठक के बाद ही, उनका भी आंकड़ा 38 तक पहुंच गया है। आप कह रहे हैं कि अगर वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं तो लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान तो विपक्ष ही उठा पाएगा ना आगे आने वाले वक्त में, और उठा रहा है। देखिए पूजा जी, मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये गलत, मैंने मनोज यादव जी से सवाल किया जी, आज पूजा जी आज हिस्टोरिकल डे है इंडियन पॉलिटिक्स में। राजीव जी ने बहुत सारी बातें कही हैं और बड़ी अंदर की खबरें भी उन्होंने निकाल के आपके दर्शकों तक पहुंचा दी हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी की प्रवक्ता का जवाब दूंगा, उन्होंने कहा भाजपा के लिए राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। तो 1942 में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था तो भारत छोड़ो आंदोलन में किसने हिस्सा नहीं लिया था, किसने विरोध किया था, वो शायद बीजेपी की प्रवक्ता को मालूम नहीं है। जनसंघ था, आरएसएस था, और जब बापू महात्मा गांधी इस देश के नायक थे आज़ादी के, उनकी हत्या करने वाला किस विचारधारा का और किस दल से संबंधित रखने वाला लोग है, किसको कौन लोग उसका महिमा मंडन करते हैं, उनके लिए अगर देश सर्वोपरि था तो ये बातें आज इस तरह की ना होती। और तो और सावरकर माफ़ी भी मांगे, क्यों माफ़ी मांगे अगर देश सर्वोपरि था। ये सारी बातें कह के आप जनता को गुमराह करते हैं, गुमराह मत करिए। और जो चुनौती की बात आप पूजा जी कर रही, वो चुनौती खत्म हो गई विपक्ष के सामने, अब चुनौती नहीं, चुनौती बन गई मौजूदा एनडीए के सामने, जिसका नाम है नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका कोई मतलब नहीं है। और ये मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि 8.5 साल बाद मीटिंग हो रही है। अगर ये एनडीए होता और डेमोक्रेटिक होता, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता, तो ये टाइम टाइम पे मीटिंग्स हो रही होती। क्यों? क्योंकि सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, और वो चुनौती जानते हैं क्या है? 2024 की महाभारत होने जा रही है। ये मेरी व्याख्या जो है वो आपके दर्शकों को बड़ी आनंददायक लगेगी और ज्ञानवर्धक भी। 2024 में महाभारत होगा, और महाभारत में पांडव और कौरव आमने सामने होंगे, पांडवों के साथ कृष्ण होंगे और कौरवों के साथ कृष्ण की सेना होगी। इसका उदाहरण बेहतर समझ गए होंगे राजीव जी भी, महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। जो कृष्ण हैं, बलराम हैं, वो एक तरफ हैं और उनकी सेना दूसरी तरफ है। जीत किसकी हुई थी ये भी आप सबको पता है, पांडव ही जीते थे। न्याय जीता था, अन्याय हारा था। लेकिन वैसे बात ही उत्तर प्रदेश की करें, एनडीए हारेगा और पीडीए जीतेगा। बात यूपी की करें, वहां कैसे सुलझाएंगे मसला? देखिए आप उत्तर देखिए, निश्चय ही अभी तक आरएलडी जा रही थी टूट के, पीडीए से अलग हो रही थी। हमने उनको जो गए हैं ना, वो राजीव जी समझते हैं, पीआर के चाचा उनको कहते हैं पूर्वांचल में, पीआर के चाचा का रिलीविंग लेटर हमने एक साल पहले ही कर दिया था उनको, हमने रिलीव कर दिया था कि आप जाओ ज्वाइन करो अपना नया ठिकाना, हमें नहीं चाहिए आपका साथ। अगर उनके अंदर दम होता, वो राजभरो के नेता होते, तो जो सीट बनारस से उनके पुत्र ने लड़ी थी वो राजभर बाहुल्य सीट थी, वही हार गए वो, तो वो काहे के राजभरो के नेता? अगर राजभरो के नेता होते तो जाहिर सी बात उनका बेटा विधायक होता। ये बात भी स्पष्ट जनता को समझ में आ गई है। और जो मुद्दों के आधार पर गठबंधन हुआ था, वो मुद्दे कहीं ना कहीं जो हमारे साथ आए थे वो छोड़ चुके। जाति जनगणना गायब है, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट गायब है, और एक सांस में 24 जातियों का नाम लेने वाले, उन सांस से उनके नाम भी गायब है। क्यों? क्योंकि वहां से हिटलर के सेकंड पार्ट ने बोल दिया है कि आपको उतना ही बोलना जितना मैं ट्विटर में लिखूंगा, और आप देख भी रही होंगी लगातार वही भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की चिंता आप करने की आवश्यकता है इसलिए पूजा जी नहीं रह गई, क्योंकि अब तो पीडीए की बात होगी। हमारे आप पार्टी के जो प्रवक्ता ने बातें कह दी, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि पीडीए के एक सदस्य ने वो बात कह दी। मैं कुछ इतर बोलूंगा, कुछ अलग बोलूंगा, और मेरे सवाल भी बीजेपी से अलग होंगे। लेकिन एक जयंत चौधरी को लेकर आप बात कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई बेंगलुरु से दिल्ली अभी दूर है, संकेत आप भी समझ रहे होंगे।
नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए दूर चुनाव है और चुनाव शून्य से लड़ा जाएगा। चुनाव कोई 302 से बीजेपी नहीं लड़ेगी और 138 से विपक्ष नहीं लड़ेगा, ना 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 ना, ये बिल्कुल कंफर्मेशन अलग हो जाए। दूरी सबके लिए बराबर है, शून्य से शुरुआत होगी 2024 के महाभारत की। कौन कितना आगे तक जाता है, कौन कितनी सीटें जीतता है, कौन कितना बेहतर परफॉर्म करता है, कौन कितना जनता को कनेक्ट कर पाता है, ये होगा अब। और वो सारी चीजें पीडीए के अंदर उपलब्ध हैं। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सवर्ण, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, छात्र, महंगाई, ये सारी चीजें मुद्दे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीडीए ये बैठक हो रही तो कोई डिनर और लंच के लिए नहीं हो रही है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, अलायंस का नाम होगा, कौन कन्वीनर होगा, कौन चेयरपर्सन होगा, किसके फेस पे हम जाने का प्रयास करेंगे, कौन असली होगा, कौन नकली होगा, ये सारी चीजें पूजा जी इन्हीं बैठकों से निकलेंगी। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इन बैठक के बाद बीजेपी के चेहरे के, सारे नेताओं के चेहरों का नूर उड़ गया। और ये मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, कल जेपी नड्डा की आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा और उससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा, बड़ा नूर चमकता है बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के चेहरों पे। कल से सबकी हवाइयां उड़ी हैं, चेहरे काले हो गए हैं, पता नहीं क्यों। पीडीए में इतनी ताकत है कि नूर वाले बेनूर हो गए। तो ये बातें कहीं ना कहीं बीजेपी को बेचैन कर रही हैं और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि शायद ब्लड प्रेशर वाली दवाई जो 40 mg होती है उसका खुराक बीजेपी के लोगों ने बढ़ा दिया होगा। ठीक है।